अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं ऑल इन वन ट्रिक्स। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी यूट्यूब की वीडियो को वायरल कर सकते हैं, आप अपने चैनल को किस तरह ग्रो कर सकते हैं और आपने ये सब करने के लिए क्या क्या करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह ग्रो करना है। तो आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे जो आपको बताते हैं कि यार आपको टैग्स की लाजमी ज़रूरत पड़ती है और वेबसाइट्स बताते हैं कुछ, लेकिन वो सारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की होती हैं कि आप उन्हें यूज़ भी करते रहो लेकिन आपके किसी भी वीडियो को वायरल करने में वो आपकी मदद नहीं करती। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपनी यूट्यूब की वीडियो को वायरल करने के लिए टैग्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कहाँ से उन्हें आपने तलाश करना है, और एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जो आपको बताएगी कि आपने अपनी वीडियो को अपलोड करने में क्या क्या गलतियाँ की हैं और किस वजह से आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही, आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे, इन सब के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है रैबिट टैग्स। जैसे आप रैबिट टैग्स सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ सर्च करना है जो भी आपकी वीडियो का टाइटल हो, जैसे मैं कुछ भी सर्च कर लेते हैं हाउ टू चेंज वीडियो बैकग्राउंड। तो जब आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और ये वो सारे टैग्स हैं जिनको यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, जो टॉप 10 होते हैं ये वो सारे जो हैं टैग्स हैं। आपने इन्हें अपनी वीडियो में लगाना है, अपनी वीडियो के टैग्स में लगाना है, जो भी आपकी वीडियो का टाइटल हो उसके मुताबिक आपने यहाँ सर्च करना है। सर्च करने के बाद इन सबको आपने वहाँ लगाना है, लेकिन याद रहे आपने जो आपकी वीडियो का टाइटल हो वो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में भी देना है लाजमी। वो एक टाइटल लगाएं या आप दो टाइटल लगाएं, आपने उसे अपनी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी देना है, वो आपकी वीडियो को सबसे ज़्यादा ग्रो करने में अहम किरदार अदा करता है। तो आपने क्या करना है, इन सबको आपने जो है उसे ऐड कर देना है अपने टैग्स में, और ऐड करने के बाद आपने टैग्स में अपने चैनल का नाम भी देना है, ठीक। क्योंकि काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जिनका यूट्यूब चैनल सर्च में ही नहीं आता, वो डायरेक्ट पर लिंक भेजते हैं, लिंक से आप उसकी वीडियो देखो वो आपकी वीडियो देखे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि गूगल भी अंधा नहीं है, उसको भी सब दिख रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे लिंक के देख रहे हैं, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो आपने क्या करना, इस तरीके से आपने अपने चैनल को सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से आप अपने वीडियोस पर रैंक भी करवा सकते हैं, आपने इस तरीके से ही करना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपने जो है जब इस सर्च में यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो भी टाइटल है आपने अपने टाइटल सर्च करना है, यहाँ पर टाइटल सर्च करने के बाद आपने यहाँ से टैग्स जो अपनी वीडियो में लगा देने हैं। लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, जब टैग्स लगाएं तो टैग्स के साथ आपने अपने चैनल का नाम भी लाजमी देना है, एंड में दे दें या स्टार्ट में देखें या दरमियान में दे दें, उसका कोई मसला नहीं है। और जब आप टाइटल डालें, टाइटल में भी अगर आप चाहें तो अपने चैनल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके चैनल को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आपने अपने चैनल का नाम देना है। तो अब मैं आपको बताऊं कि आपने वो एप्लीकेशन कौन सी है जो आपने डाउनलोड करनी है और कहाँ से डाउनलोड करनी है, वो भी मैं आपको बता दूं। आपने यहाँ पे सर्च करना है ट्यूब बडी, ठीक, ये आप देख सकते हैं ट्यूब बडी। जब आप सर्च करें तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो मैं आपको डायरेक्ट इसे खोल के दिखा दूँ। जैसे आप खोल इसे ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मेरे सब्सक्राइबर जो मैंने हाइड किए हैं इस वजह से शो नहीं हो रहे, लेकिन आपके सब्सक्राइबर भी यहाँ शो होंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपकी सारी वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी वीडियो है आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें दिखाएगा कि आपने यहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो आपने देखे हैं अपलोड हाई रेजोल्यूशन थंबनेल, आपने थंबनेल जो है हाई रेजोल्यूशन का लगाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाना है। उसके बाद ऐड टेक्स्ट टू योर टाइटल, आपने टेक्स्ट लाजमी देने हैं अपनी वीडियो के, ठीक। और टाइटल, अब आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले कही थी, टाइटल और टेक्स्ट दोनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं। ऐड टेक्स्ट टू योर डिस्क्रिप्शन, जो आपकी वीडियो का जो टैग है, ठीक, जो भी आपने टाइटल रखा है वो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में लाजमी देना है।
टाइटल लेंथ ये भी आपको पता है कि 500 लफ्ज़ की होती है, तो आपने पूरा ऐसे 500 लफ्ज़ का ही कर देना है, ज़्यादा तो नहीं होगा, खैर दो चार अल्फाज कम ही होंगे। अब इन दोनों के लिए तो खैर आपसे अपग्रेड मांग रहे, अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एड कैप्शंस ये आपको यूट्यूब की मेरी एक वीडियो है, ठीक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का मैंने उसमें डिटेल से बताया कि आप किस तरह अपनी वीडियो वायरल करने के लिए कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या सेटिंग करनी है, ठीक। एंड स्क्रीन प्लेलिस्ट वगैरह तो आपने लाजमी करनी है, प्लेलिस्ट में आपने वीडियो डालनी है अपनी। एंड स्क्रीन्स क्या होता है वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, वो इसकी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें ग्रीन टिक हो जाएँ तो आप समझ लें कि आपकी वीडियो वायरल के लिए रेडी है। अब आपकी वीडियो जल्द से जल्द वायरल होगी और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी आएंगे, तो आपने इस तरीके से अपनी वीडियो को वायरल करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।